अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। दोपहर का टाइम था, हल्की फुल्की सी भूख थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सैंडविच तैयार करूँ जो जल्दी से 5 मिनट में रेडी हो जाए और हम मज़े से खा सकें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेजिटेबल देंगी जो हमें घर में ईजिली मिल गई। एक तो था खीरा, दूसरा टमाटर, और उसमें मैंने थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्चों का पाउडर डाला और थोड़ा सा बिल्कुल डाला मायोनीज। मायोनीज बहुत कम डालेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और वैसे भी टमाटर पानी छोड़ता है। तो उसके बाद ये मायोनीज डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग कभी भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको हल्की फुल्की सी भूख हो। और इसमें यह है कि हमें बाहर से भी कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें ईज़िली घर में मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने तमाम स्लाइस पे इसी तरीके से केचप लगा लिया, और केचप लगाने के बाद फिर ये देखिए मसाला भी मेरा वेजिटेबल भी सारी साइड में रखी हुई है। फिर उसके बाद एक एक करके मैंने सारी स्लाइस पर इस तरीके से पेस्टिंग की, 2 वेजिटेबल्स की पेस्टिंग की। फिर पेस्टिंग करने के बाद अब मैंने इस पर दूसरी स्लाइस को लेके इस एक स्लाइस को उस पर ढक दिया, कवर कर दिया। और उसके बाद जो है हम इसको सैंडविच की शेप में कट कर लेंगे। मैं इसके कॉर्नर्स नहीं काटी, आप चाहे तो कॉर्नर्स भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी कॉर्नर्स नहीं काटती स्लाइस के। लगता है मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्री हूँ, कोई बात नहीं, टाइम पास कर रही हूँ। तो ये थी एक आसान सी रेसिपी और ये मज़ेदार सा सैंडविच रेडी है। मस्ट ट्राई, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।